नमस्कार, स्वागत है आपका एच सी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। मान्यता है कि यह माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला होता है। इनकी चार भुजाएं होती हैं, जिससे वो दो हाथ में कमल का फूल थामे दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे होते हैं और दूसरे में माता तीर को संभाले दिखती हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने पांचवें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्त जनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासना अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र चित करके और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्तों को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाय और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की हस्तक्षेप से ही संभव हुआ है। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि में विकास होता है। नवरात्रि के पांचवें दिन सबसे पहले स्नान करें और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करें। पूजा की समाप्ति आरती से करें। अब जानते हैं देवी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था तो वीरता के कारण इन्हें देवताओं का सेनापति बनाया गया था। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा के बारे में बताया जाता है। माँ दुर्गा स्कंद की माता है। आपको बता दें कि स्कंद माता का प्रिय रंग श्वेत है। अगर आप श्वेत रंग के वस्त्र का धारण करके उसके बाद पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही सुलभ होगा। हम आपको नवरात्रि के नौ दुर्गा के स्वरूपों की जानकारी जैसे कि मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धार्मिक और अध्यात्म से जुड़े वीडियोस के लिए देखते रहें एचसी न्यूज़। धन्यवाद।